हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज टाइटल कुछ आपको अलग दिखता रहेगा यूट्यूब पे। द रीज़न बीइंग इज वी आर वेरी क्लोज टूवर्ड्स द फाइनल लद्दाख राइड। और आज एक्चुअली मैं अमृतसर के लिए निकलने वाला हूँ। गाड़ी ऑलरेडी जा चुकी है एक हफ्ते पहले और ऑलरेडी पहुँच चुकी है अमृतसर में। और आपको स्क्रीन पे थोड़ा सा दिखता भी होगा कि गाड़ी रैप कैसी हुई है छोटे से साइड पे। तो आज मतलब ऐसा लग रहा है कि इतने महीनों से जो मेहनत की है वो फाइनली काम आ रही है, बिकॉज राइड कैंसिल नहीं हो रही। बिकॉज लद्दाख और गोवा सेम रहता है कि हम बार बार प्लान करते और पोपट हो जाता है। तो इस बार ये ऐसा कुछ हो नहीं रहा है मेरे साथ। और एक्चुअल में मैं निकल रहा हूँ, आज शाम को मेरी फ़्लाइट है। शाम को इन द सेंस इट्स द नेक्स्ट डे एट 3 AM। तो रात को निकलना है। मैं कुछ दोस्तों के लिए रुका हूँ जो औरंगाबाद से आ रहे हैं और थोड़े जो पूना से है। वी आर गोइंग ऑन द फ्लाइट टुगेदर। बाकी का जो क्रू है वो बाइक्स पे जा रहा है। थोड़े ऑलरेडी एक दिन पहले ही पहुँच चुके हैं और एक बंदा ट्रेन से आ रहा है। तो दिस इज़ माई पैकिंग फॉर टुडे। ज़्यादा माल नहीं है, हेलमेट साथ में लेके जा रहा हूँ। इसमें सारे इलेक्ट्रॉनिक्स है और नीचे थोड़े से टी शर्ट्स और जर्सीज है जो मैं अपने साथ जो बंदे जा रहे हैं उनके टी शर्ट्स वगैरह मैंने साथ में रख। तो थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि कल होगा क्या। और ये पूरा जो किक ऑफ वीडियो है ये अमृतसर तक मैं पूरा शूट करने वाला हूँ। अमृतसर का डे वन में गाड़ी लेने तक और गाड़ी लेने के बाद से टूवर्ड्स व्हाट हैपेंस ऑन डे वन बिफोर द राइड, आई मीन अ डे प्रायर बिफोर द राइड। सो स्टे ट्यून्ड। सो बज गए अभी 11:30 राइट। तो मेरा दोस्त मयूर आ गया है, हैरियर बढ़ रही है एयरपोर्ट के लिए। एक्चुअली प्लान नहीं था उनका आने के लिए, बट दे आर प्लान टू कम सेपरेटली वाया हैरियर। तो रुके हुए अभी कैब ड्राइवर के लिए, देखते हैं। टाइम पे तो आया नहीं है बंदा। गेटिंग रेडी टू एंटर द प्रेमिसेस। फाइनली एयरपोर्ट पहुंच गए। अभी बैगेज काउंटर वगैरह में एंट्री मार के देख लेते हैं क्या होता है, कैसे चलता है। अमृतसर एयरपोर्ट। अभी बाहर निकल के यहाँ से सबसे पहले बाइक ढूंढने जाना है। एक हफ्ते से बाइक देखी नहीं है, क्या हुआ है कैसी है कुछ पता नहीं। पीछे और दो बंदे आ रहे हैं, बट आई एम क्वाइट कीन टू गेट आउट ऑफ योर फर्स्ट। तो अभी प्रीपेड टैक्सी ढूंढ रहे हैं और सेफ एक्सप्रेस के लिए निकलना है। प्रीपेड टैक्सी मिली बिकॉज बाहर कुछ नहीं है ऐसा बोला गया है। देख सकते हैं किसी की नींद नहीं। ये डेंगू से बचा है, ये मरते मरते बचा है, फिर भी खुजली गई नहीं इसकी राइडिंग की। हंस कह रहा है संतोष, डोंट लाफ। हाँ ये बड़े सही है। ये बाबा जागा दिया थोड़ा, ये और अपन ना है बारी। ए अरे अरे कितनी अरे लाल ये बग याला बग मी कमी रे तुला बोल ले ना तो छोड़ो। फाइनली पहुंच गए सेफ एक्सप्रेस। गाड़ी देखने दो भाई। सबसे पहले ये अपनी गाड़ी कुछ टूटा वूटा तो नहीं ना, लूज हुआ है कुछ तो। ये लूज हुआ है थोड़ा, वो टाइट करना पड़ेगा। हाँ ठीक है चलो, इसके बाद देखते। बजे है अभी 7:40 AM और
गाड़ी तो मैंने अनलॉक कर दी पूरी, निकाल दिया, अंदर शूटिंग करना अलाउ नहीं था, बट एक प्रॉब्लम है जो हुई है, दैट स्टैंड हैज बेंट अ लॉट, तो वो जाके मुझे सबसे पहले करवाना पड़ेगा। बाकी तो इतना कुछ डैमेज नहीं था, थोड़े से जो इंडिकेटर्स है वो थोड़े से बेंड हो गए थे, बाकी तो दूसरा कुछ नहीं, दूसरा कोई विजिबल डैमेज नहीं। स्टैंड तो होने ही वाला था बिकॉज साइड स्टैंड पे ही है पूरी एडी भी, भाई सबसे पहले कोई मैकेनिक ढूंढ लूँगा और ये टाइट करवा के लूँगा। सब पहले तो लगा था कि नया साइड स्टैंड टूट चुका है, बट नो, साइड स्टैंड टूटा नहीं है, ना स्प्रिंग बेंड हुई है, नीचे का जो ब्रैकेट रहता है वो बहुत ढीला हो गया है, दैट्स द रीज़न। तो अभी देखता हूँ, पहले सबसे पहले अभी तो फिलहाल यही है कि बैठने को हो नहीं रहा है, ऊपर यहाँ पे भी बैग लगाई हुई है, और अगर दिखती है तो गाड़ी पूरी लोडेड है बिकॉज ऑफ द गियर दैट इज़ ऑल्सो बीन टाइट, तो ये कम हो जाएगा, एक बार होटल पहुँच जाऊँगा, बट सबसे पहले पेट्रोल भरना है, पेट्रोल भरने के बाद मैकेनिक एंड देन टू द होटल रूम। स्टे ट्यून्ड। मैकेनिक कैसे तो भी मिल गया और काम करवा के लिया हम लोगों ने गाड़ियों का, मतलब मेरी गाड़ी स्पेशली, बेंट स्टैंड और एक्स्ट्रा एक स्टैंड मंगा के रखा था तो प्रॉब्लम मेरी छूट गई, 50 रुपये में काम हो गया। अभी हम लोग शायद से क्या लिया राजेश भाई, ये लिया हमने कचौरी छोले, एक नंबर। तो अभी वो खाके होटल पे जाएंगे, फिर देखते हैं क्या करना है। प्लान तो था गोल्डन टेम्पल सबसे पहले जाने का, बट होता है, शिट हैपेंस, तो स्टे ट्यून्ड। डेढ़ घंटा अभी नींद मार के मस्त निकल पड़े हैं बागा बॉर्डर, थी बहुत धक्का बुक्की थी यार, इतने धूप में हम लोग कैसे तो करके, ये देखो गरीबों का KGF। गिरीश भी आएगा, हाँ गिरीश भी आया ना, देखो ना प्लेबॉय गिरीश, ही इज गोइंग टू बी गोपाल्स रूममेट, तो देखते हैं आगे कैसा है, स्टे ट्यून्ड।
तो वाघा बॉर्डर से हम बड़े गोल्डन टेम्पल पे, वहाँ पे शांति में मत्था टेका और दूसरे दिन जो राइड स्टार्ट होने वाली थी उसकी तैयारी के लिए हम बढ़ गए। Like a light, lighting up in the dark.